जय हिंद। नमस्कार। सेना भर्ती में फिजिकल यानी दौड़ से पहले ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर चल रही तैयारियों के बीच अब टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती और एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के मन में भी अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या टीए और एनए भर्ती में भी दौड़ से पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो देखिए साथियों, अभी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और एनए भर्ती के लिए तो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड तक भी जारी कर दिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के युवाओं के लिए 18 जनवरी 2023 से एनए की भर्ती शुरू होने जा रही है, दौड़ शुरू होने जा रही है। वहीं राजस्थान में होने वाली एनए भर्ती को लेकर भी इस महीने के आखिर तक या जनवरी माह के पहले सप्ताह तक एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी संभावना है। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी यह कह पाना उचित या सही नहीं है कि यह सिस्टम किस किस भर्ती में और कब से लागू होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हाँ, अभी यह जरूर कंफर्म हो चुका है कि सेना भर्ती में दौड़ से पहले ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, ऐसी सेना की प्लानिंग है और इस पर कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर सेना तैयारियों में भी जुटी है। एग्जाम कराने के लिए एजुकेशन कंसल्टेंट लिमिटेड और सेना के बीच में एमओयू हो चुका है। परीक्षा शुल्क लेने के लिए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एमओयू हो चुका है। जब इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो इसके बारे में सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी भी सामने आ जाएगी कि यह सिस्टम कब से लागू होगा। वही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सेना भर्ती में पहले एग्जाम कराने की बातें तो 10 से 15 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए साथियों, हाँ ये बिल्कुल सही है कि सेना भर्ती में पहले एग्जाम कराने को लेकर कई बार सेना इसको लेकर स्टेटमेंट दे चुकी है कि वो सेना भर्ती में दौड़ से पहले एग्जाम कराएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि पहले इसको लेकर इस स्तर पर तैयारियां नहीं की गई थी, जबकि इस बार सेना पूरे मूड में नजर आ रही है कि सेना में पहले ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा और इसको लेकर लगभग तैयारियां भी कर ली गई है। वैसे आपको इसको लेकर इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले एग्जाम हो या बाद में हो, देना तो आप ही को है। इसलिए आप सभी युवा अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। आप दौड़ की तैयारी के लिए जब इतनी मेहनत करते हो तो थोड़ा थोड़ा समय एग्जाम की तैयारी के लिए अभी से निकालना शुरू कर दो। अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारियां अपनी शुरू कर दो ताकि एक साथ आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़े और आपकी तैयारी भी फिर अच्छी हो सकेगी। तो दोस्तों, इसको लेकर आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम उससे भी आपको अवगत कराते रहेंगे और आप सभी से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी इसको लेकर जानकारी होगी वो हम आपको समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।